बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर एक बात ये भी की जा रही है कि जिस तरह डॉक्टर जयशंकर पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि भाई हाँ हम रशिया से तेल ले रहे हैं, हमारी जरूरत है, और मैं अपने किसी की जंग में मैं अपनी आवाम का क्यों नुकसान करूं, तो थोड़ी सी तो बात करनी चाहिए थी इनको, थोड़ा सा तो एक 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 चीज जो है एक स्टेटेड पोजीशन लेनी चाहिए। दूसरी तरफ कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के ये भी कहा है कि भाई हम इंडिया को नहीं चाहते कि इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर। इन दोस्तों में महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं, वन वर्ल्ड हिंदी में आपका, उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि जयशंकर जी ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के दम पे रशिया से तेल ले लिया, और वो भी सस्ता, जो भारत के लोगों का अब कहीं ना कहीं फायदा कर रहा है। तो दूसरी तरफ कैसे बिलावल भुट्टो ने यूएन में जाके सीधा सीधा अपना बयान दिया कि अब भारत को यूएन की सदस्यता न दी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको डर लग रहा है कि अगर यूएन में भारत का सिक्का अगर चल पड़ा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अब फिर से एक बार दरकिनारे और लात मार दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इनकी बौखलाहट सीधी सीधी सामने आ रही। तो अमित बसिन जी ने अब बीच में एक चीज कही है कि क्या यूएन का सदस्य भारत न बने तो क्या पाकिस्तान को बनाया जाए। तो दोस्तों देखिए डिबेट, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर एक बात ये भी की जा रही है कि जिस तरह डॉक्टर जयशंकर पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि भाई हाँ हम रशिया से तेल ले रहे हैं, हमारी जरूरत है, और मैं अपने किसी की जंग में मैं अपनी आवाम का क्यों नुकसान करूं, तो थोड़ी सी तो बात करनी चाहिए थी इनको, थोड़ा सा तो एक चीज जो है एक स्टेटेड पोजीशन लेनी चाहिए। दूसरी तरफ कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के ये भी कहा है कि भाई हम इंडिया को नहीं चाहते कि इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। तो सवाल इसमें ये है सर कि एक तरफ तो प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं और एक तरफ नहीं ले रहे हैं। इंडिया के हवाले से प्रिंसिपल पोजीशन ले रहे हैं, सही है गलत है वो बात की बात है, इंटरनेशनल कम्युनिटी से कैसे रिस्पॉन्ड करती है कि इंडिया क्योंकि खुद सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन वायलेट करता रहा है तो उसको क्यों हम लेके आए, वो क्यों बने परमानेंट मेंबर, जबकि डॉक्टर जयशंकर जो है वो अपनी आवाम के लिए तो स्टेटेड पोजीशन ले रहा है कि हाँ हमें तेल लेना है। तो इसको आप कैसे देखेंगे बिलावल साहब की इस चीज़ को? देखें इसमें भी जो है ना ये सख्त किस्म का कन्फ्यूजन की रिफ्लेक्शन है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान पे ये बात डिपेंड नहीं करती कि इंडिया जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है या नहीं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए अगर कोई इस हवाले से कोई मुहिम चलाने की कोशिश कर रहा है। चूँकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जिसको आप कहते हैं उसको इस बात का तो 100% नीटी ग्रीटी समेत पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या मामला चल रहे हैं, और उसमें इंडिया जो भी कोई इंटरनेशनल कोई जगह कोई स्पेस क्लेम करेगा पाकिस्तान उसको चैलेंज करेगा और वाइस वर्सा। ये तो मतलब है इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं कि कोई ये तवक्को रखता है कि पाकिस्तान भी इस पर रजामंदी का इजहार करेगा कि इंडिया जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाए। लेकिन देखें यही तो प्रॉब्लम है जो मैं बार बार कहता हूँ कि इसको पहली बात है ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि पाकिस्तान क्या करता है, लेकिन पाकिस्तान को ये देखना चाहिए कि वो बहुत सारे मामलात में इस हद तक जो है वो नेगेटिव रोल पे ना चला जाए। इंडिया का सिक्योरिटी काउंसिल में जाना तमाम जो साउथ एशियंस हैं और जो एशियन हैं उनके और जो ब्राउन जनरेशन है पीपल हैं उनके मफाद में है, ये किसी एक मुल्क के मफाद में नहीं है। और ये जो सीटें एलोकेट होती हैं ये ब्राडर सेंस और ब्राडर पॉपुलेशन और ब्राडर जियोपॉलिटिकल जो मफादात हैं उनको सामने रख के होती है। इसका जो है इसके लिए एक ज़र्फ का मौका देना पड़ता है। ये आप देखें इंडिया और चाइना के दरमियान एक तवील किस्म की दुश्मनी है, लेकिन जब चीन का जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की मेम्बरशिप का मसला था तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टैंड आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिया था कि जनाब आप जो है वो चीन को सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो सीट दें। इस पे उसने इंसिस्ट किया एंड ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट एडवोकेट। हालांकि जाहिर है कि चीन के हवाले से जो उनके अपने मामला थे वो उस वक्त ही मौजूद थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको एक एशियन नेशनलिज्म के पर्सपेक्टिव में देख रहा था कि भाई ये जो है हमें जो है ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क और हमारा इलाका और हमारे खित्ते और हमारे बर्रेआज़म का एक मुल्क जो है उसकी यूनाइटेड नेशन के अंदर एक प्रेजेंस होगी।
आज आप देखें वहां पे इंडिया में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती थी, उसे सीट खुद लेनी चाहिए थी। लेकिन ये बात भी वैसे ज़िमनन में क्लियर कर दूं कि ये पॉसिबल नहीं था, इंडिया ये सीट क्लेम नहीं कर सकता था। चीन ये सीट इसलिए क्लेम कर सकता था कि चीन के पास ऑलरेडी ये सीट थी जब ताइवान अलग हुआ, तो वो सीट उन्होंने ताइवान को दी, चूंकि ताइवान को वो चीन का रिप्रेजेंटेटिव मान रहे थे, तो उस पर फिर चीन ने स्टैंड किया कि भाई चीन तो हम हैं, ये लाखों हजारों मरबा मील इलाका और पॉपुलेशन, तो आप यहाँ से उठ के एक जजीरे को किस तरह चीन के नाम पे सीट दे रहे हैं। तो उसमें फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक जो है वो स्टैंड लिया। इसका मतलब ये नहीं कि पंडित ये कहते कि नहीं जी चीन को ना दें, हमें दे दें तो उनको मिल जाती। तो इस तरह ये चीजें जो है ना छोटी मोटी, अब इंडिया को सीट ना मिलने से क्या पाकिस्तान को सीट मिल जाएगी, सवाल तो ये पैदा होता है। और ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है, पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है ना जनाब, तो ये सीट जो है ये हमारी सीट है, हम सब की सीट है, ये पूरे इस खित्ते की सीट है, तो ये पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। ये किसी और मुल्क को मिल सकती है, लेकिन पाकिस्तान को किसी भी तरीके से जो है वो नहीं मिल सकती। तो ये इस तरह की जो कमीनगी होती है ना जी डिप्लोमेटिक सतह पे, मैं आपको बताऊं इसका इजहार नहीं करना चाहिए, चूंकि इससे आपका छोटापन जो है वो जाहिर होता है, और इससे ये जाहिर होता है कि आप दुश्मनी बराए दुश्मनी पे बिलीव करते हैं और आपका विजन जो है वो बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो जो डॉक्टर जय शंकर की टफ लाइन पाकिस्तान के ऊपर है, वो जहाँ पे जाते हैं पाकिस्तान को कहते हैं अ स्टेट विच स्पॉन्सर्स टेररिज्म और इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो मेरा ख्याल है उसी के वो पराये में वो कहते हैं कि अगर ये परमानेंट मेंबर नहीं है तो ये हमारे साथ ये कर रहे हैं, ये परमानेंट मेंबर बन गए तो वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की वो वन थिंग्स फ्रॉम द पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव तो दे हैव अ पॉइंट एज वेल। अच्छा बिरसम ये बताइएगा कि क्या नाम है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूएन में ही और उस पर इंडिया में बड़ा शोर मचा हुआ है, मैं भी कुछ इंडियन टीवी चैनल्स पर था और वो ये कह रहे हैं कि बिलावल ने ये कहा कि जो उसामा बिन लादेन के बारे में बात हुई तो दहशतगर्दी की बात हुई जिस पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से पकड़ा गया, तो बिलावल ने कहा कि हाँ जी उसामा बिन लादेन तो मर गया है लेकिन जो बुचर ऑफ गुजरात है वो जिंदा है, और जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो आरएसएस के फॉरेन मिनिस्टर हैं और मोदी आरएसएस है और आरएसएस हिटलर है, ये वो इस तरह की उन्होंने बातें की। आप क्या समझते हैं ये जो डिस्कोर्स, फॉरेन पॉलिसी का जो डिस्कोर्स है, ये जो चीज़ें यूनाइटेड नेशंस में आ गई हैं, इसको आप कैसे देखेंगे कि इंडिया कह रहा है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पर्सनल अटैक किए हैं और उस पर मोदी साहब पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है वो क्लियर किया हुआ है, डॉक्टर जयशंकर बड़े पूरी जिंदगी जो है वो फॉरेन ऑफिस में रहे हैं, उनका आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये जो चीजें बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं घर में तो शायद उनको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी, पाकिस्तान में तो वो बल्ले बल्ले हो गई होगी उनकी, आप क्या समझते हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? ताल्लुकात तो ऑलरेडी हमारे जो है इंडिया के साथ ना होने के बराबर है, इसका डिप्लोमेटिकली क्या फॉलोआउट हो सकता है, और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ये शोर जो मचा रहा है इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कहीं पे, वो कि इंडिया दुनिया में बड़ा रेलिवेंट है, फॉर एग्जाम्पल बिलावल ने ये भी कहा कि वहाँ पे जो यूएन में गांधी साहब की जो एक स्टैचू जो है उसको रखा गया है, अनवील किया गया, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी इंडिया में तो गॉडसे को जो है वो खुदा बना के रखती है और यूरोप और अमेरिका में गांधी को जो है वो वैल्यू देती है, तो ये जो टेम्परेचर और ये बातें हैं, हाउ डू यू सी दिस सर? देखें जी ये तो जो डिप्लोमेटिक एक्सचेंज है वो दो ऐसे मुल्कों के दरमियान है जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं, और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का मतलब ये है कि जिन मुल्कों के दरमियान कम अज कम 70 साल पुरानी जो है वो बाकायदा जंगों और ला तादाद प्राक्सी वार्स की हिस्ट्री है, और उसमें एक बाकायदा एक आखिरी जो स्टेज है उस पे वो आ गए हैं ताल्लुकात में कशीदगी के हवाले से। तो इस हवाले से एक जो प्रॉब्लम हुआ है इम्बैलेंस, वो ये कि मिलिटरली इंडिया जो है वो एक विनिंग पोजीशन में चला गया, और इसकी वाजे मिसाल 2016 की जो वाकयात आपने देखा हुए, जिसके नतीजे में इंडिया ने ये कहा कि हमारे कमांडोज बाकायदा पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के अंदर दाखिल हुए और वहाँ पे उन्होंने
40 टेररिस्ट जो हैं इंक्लूडिंग सम ऑफ द रेगुलर मिलिट्री मैन, उनको जो है वो मारा और उसके बाद वापस आ गए। आल दो के पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखें कि ये वाकया तो हुआ और इस वाकये का पाकिस्तान ने आज तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद जो वाकयात हुए पठानकोट के हवाले से या उससे आगे जो भी मिलिटरली, उसका पाकिस्तान ने उस तरीके से कोई रिस्पांस नहीं दिया, जिसके नतीजे में 5 अगस्त 2019 में इंडिया ने जो डिसीजन किया कश्मीर इशू पे और ये कश्मीर के केस को ही लपेट के तो बिल्कुल एक नए तरीके से जो है वो अपने उसमें रख लिया, तो पाकिस्तान ने उस पर खामोशी इख्तियार की। तो जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा सरेंडर किया जो सिचुएशन जा रही थी किसी किस्म की रेजिस्टेंस के बगैर। और उसका सबूत मैं आपको देता हूँ, इमरान खान की तकरीर ये ऑन रेकर्ड है जिसमें उसने अवाम को खामोशी इख्तियार करने पर कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम को कहा कि आप लोग कोई किसी किस्म का एहतजाज या किसी तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे, और जुमे की नमाज के बाद 15 मिनट की खामोशी का किया जो एक हफ्ते दो हफ्ते बाद मामला डिसअपीयर हो गया। अब आप जब इस तरीके से सरेंडर कर चुके हैं इतने बड़े बड़े वाकयात पे कि इंडिया आपकी धरती के अंदर आके तो आपके लोगों को मार के तो टहलता हुआ वापस चला जाए, और उसके बाद आपको क्लियरली कहे कि आइंदा को ऐसा वाकया हुआ तो हम इससे बड़ा भी जो है वो एक्शन लेंगे, तो आप अपने लोगों को कहें कि आप चुप रहें, तो इसका मतलब ये है कि आपने एक डिसीजन कर लिया कि हम अब मिलिटरली जो है वो इंडिया के साथ किसी तरह का एक्सचेंज जो है वो करने के लिए तैयार नहीं, तो हम अक्वामे मुत्तहिदा में तकरीर करेंगे। तो उसमें इमरान खान साहब ने एक तकरीर कर दी थी जिसका अब 3-4 साल से कोई नतीजा नहीं निकला। तो उसी तरीके से ये इमरान खान थ्योरी है कि भाई मोदी साहब या जयशंकर या कोई आदमी जो है उसका आरएसएस से ताल्लुक है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया और ओपन वोट्स में ये लोग इलेक्ट होके आए हुए लोग हैं। पहली बात ये है कि जाहिर है जो लोग इंडिया की तारीख और उसका कल्चर और उसकी जो है वो सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री समझते हैं उनको पता है आरएसएस एक इंडिपेंडेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है विच हैज नथिंग टू डू विद बीजेपी और कांग्रेस या इस तरह की जो फोर फ्रंट पे ऑर्गेनाइजेशन हैं। लेकिन ये इमरान खान की थ्योरी है जो बिलावल साहब हू को रिपीट कर रहे हैं विच इज